अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक दौर था जब मायावती का शासन था और उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की कवायद चल रही थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब सूत्रों से खबर मिल रही है कि यूपी के 3 हिस्से केंद्र की सरकार कर सकती है, साथ ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उत्तराखंड में शामिल हो सकते हैं और कुछ हिस्से हरियाणा में शामिल हो सकते हैं। कई प्रमुख अखबार और टीवी चैनल्स भी इस पर खबर चला चुके हैं और कहा जा रहा है कि मसौदा बनकर तैयार है, बस कभी भी बंटवारे का ऐलान हो सकता है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि यूपी का अगर बंटवारा होता है तो कौन कौन से राज्य बनेंगे और उनकी राजधानी क्या होगी। साथ ही बताते हैं कि कौन कौन से शहर यूपी से कटकर दूसरे राज्यों में मिलाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में से कुछ हिस्से काटकर 2 नए राज्य बनाए जाएंगे और तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश ही रहेगा। पहला राज्य पूर्वांचल बनेगा जिसकी राजधानी गोरखपुर होगी। दूसरा राज्य बुंदेलखंड बनाया जा सकता है जिसकी राजधानी प्रयागराज होगी। तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश ही होगा जिसकी राजधानी लखनऊ ही रहेगी। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से जिले और मंडल नए राज्यों में शामिल किए जाएंगे। पूर्वांचल में गोरखपुर मंडल जिसमें देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, बलिया और मऊ। बस्ती मंडल में बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। देवीपाटन मंडल में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। अयोध्या संभाग में अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी और बाराबंकी। वाराणसी मंडल में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी। 23 जिलों को मिलाकर पूर्वांचल राज्य बनाया जाएगा। दूसरा नवगठित राज्य बुंदेलखंड बनाया जा सकता है जिसमें प्रयागराज संभाग में प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। चित्रकूट संभाग से बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। झांसी संभाग से जालौन, झांसी और ललितपुर। मिर्जापुर संभाग से मिर्जापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र। कानपुर मंडल में कानपुर, कानपुर देहात और औरैया को मिलाया जाएगा। 17 जिलों को मिलाकर बुंदेलखंड प्रदेश को बनाया जा सकता है। बाकी जो हिस्सा बचेगा वो उत्तर प्रदेश ही रहेगा। इसमें लखनऊ मंडल में हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। आगरा मंडल में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। बरेली मंडल में बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर। कानपुर संभाग से शेष जनपद फरुखाबाद और कन्नौज उत्तर प्रदेश में मिलाए जाएंगे। नए स्वरूप में उत्तर प्रदेश में कुल 20 जिले शामिल किए जा सकते हैं। बात करें अन्य हिस्सों की तो सहारनपुर मंडल के सभी 3 जिलों को हरियाणा में शामिल किया जा सकता है। मुरादाबाद मंडल को उत्तराखंड में शामिल किया जा सकता है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है जिसमें लुटियंस दिल्ली पर केंद्र सरकार अपना प्रभुत्व रखेगी। दिल्ली में हरियाणा के सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूह, पलवल और फरीदाबाद जिले शामिल होंगे। दिल्ली में यूपी के मेरठ मंडल के जनपद बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ जिले शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश का अगर बंटवारा होता है तो उसमें से 2 नए राज्य निकलेंगे, 1 उत्तर प्रदेश ही रहेगा और जिन जिन हिस्सों को अलग अलग राज्यों में मिलाया जाएगा उनकी जानकारी हमने आपको दी। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है। सरकार इस पर क्या विचार कर रही है और आने वाले दिनों में क्या फैसला लेगी, इस पर अभी तक किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये खबर सूत्रों से मिली जानकारी के ऊपर आधारित है। आने वाले वक्त में कुछ भी नया अपडेट आता है हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक आप बने रहिए मीडिया हलचल के साथ।